धान के समर्थन मूल्य में केंद्र सरकार ने 100 रुपए की वृद्धि किए जाने की घोषणा की, जिससे धान की एमएसपी बढ़कर 1940 से 2020 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन इस वृद्धि को लेकर अपनी असंतुष्टि जाहिर कर रही है। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से धान सहित 14 फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है, जिसमें धान के समर्थन मूल्य में 100 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के सदस्य केंद्र सरकार के इस निर्णय को न्यायसंगत नहीं मान रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के प्रदेश संयोजक राजकुमार गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने चुनावी घोषणा में लार्जेस्ट प्लस 50% वृद्धि पर एमएसपी निर्धारित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि उसकी तुलना में किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2800 प्रदान किया जाना था, जो अब मात्र 2440 रुपए प्रति क्विंटल में सिमट कर रह गया है। इस संबंध में राजकुमार गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कल केंद्र सरकार धान सहित कुछ अन्य उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करे घोषणा करे है। धान के समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल सरकार है 100 रुपये की बढ़ोतरी करे है, जो 5% के आसपास बढ़ोतरी है। हम यदि एरा 2014 में भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र के नज़र से देखन तो स्वामीनाथन आयोग के अनुशंसा के अनुसार लागत मूल्य में 50% वृद्धि करके न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करे के वायदा भाजपा करे रही से। 2016 में मोदी सरकार एक घोषणा कर रही से कि 2022 तक के किसान मन के आमदनी हम दोगुना कर देवन। ये दोनों दृष्टिकोण से यदि कल सरकार के घोषणा का हम विश्लेषण करबोन तो ये दोनों वायदा और घोषणा कल के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ोतरी से पूरा नहीं हो है। 2016 में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य लगभग 1400 रुपये क्विंटल, 2022 में कम से कम 2800 रुपये क्विंटल यदि होती तो आमदनी दोगुना हो के बात कह जा सकत रही है। वैसे ही 2016 में स्वामीनाथन के जो लागत मूल्य में 50% ध्यान में हम रखन तो आज कोई भी हालत में धान के समर्थन मूल्य 3000 रुपये से ऊपर ही घोषित होती, मगर सरकार है सिर्फ 2040 रुपये घोषित करके किसान मन के साथ काफ़ी झांसा कर से किसान मन के लिए कल के जो बढ़ोतरी है वो निराशाजनक है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।